चलिए अगली खबर देख लेते हैं। एक ओर तो सरकार देश को डिजिटल इंडिया बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर जमीनी स्तर पर ग्रामीणों का हाल बेहाल है। ताजा मामला पन्ना के देवेंद्र नगर का है, जहां मजवाहा में ग्रामीण आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। इतना ही नहीं, यहां पानी के निकास के लिए नालियों तो बनी हैं, लेकिन उन नालियों में कचरा और गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसके चलते जो है यहां पर सही तरीके से साफ सफाई नहीं हो पा रही है, जिसको लेकर कई बार उच्च अधिकारियों से शिकायत भी की गई, लेकिन अब तक ग्रामीणों को आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला। स्कूल में छत कभी भी गिर सकती है, बच्चों के भविष्य खराब हो जाएंगे। आज तो पता नहीं कब तक स्कूल चल रही है, और यहाँ पे नाली है, कोई व्यवस्था नहीं है, बच्चों का भविष्य खराब है। यहाँ पे स्कूल के पीछे देखिए कितनी गंदगी पड़ी रहती है, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। ये शौचालय बनवाए, उसमें भी कोई व्यवस्था नहीं है, बच्चे खुले में इधर उधर जाते हैं, और ये इधर नाली आली, इतनी बुरी हालत है इस मजवाहा गाँव की कि कुछ कहा नहीं जाता है, कोई सुनवाई नहीं है पंचायत से और न जिला से, न तहसील से। सब हर जगह हमने दस्तावेज लगाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। इस गांव में जाने में हमको तकलीफ होती, जैसे कोई बीमार हो जाता, हमारे बच्चे जो भाई बहन है पढ़ने जाते हैं उनको तकलीफ है, चार चार छः छः महीने पढ़ने नहीं जा पाते, क्योंकि एक दिन की बारिश का हाल आप देख चुके हैं कि क्या हालत है यहाँ की। और हमें न सरपंच से किसी की मदद मिलती है, न मंत्रियों से कोई मदद मिलती है, हम जहाँ जाते हैं वहाँ से हमें ना निराशा ही मिलती है और कुछ काम नहीं मिलता है, क्योंकि हमने हर प्रकार का कोशिश किया है, कोई भी है हमें यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, किसी प्रकार की सरकार से कोई मदद नहीं मिलती है। हम एक जंगली जैसे रहते, उस तरह जंगलियों की तरह हम अपनी जिंदगी बिता रहे हैं यहाँ पे। ये तकलीफ है यहाँ पर कि यहाँ पर न पढ़ाई होती है, हम लोग वॉशरूम को लिए जाते हैं तो बाहर जाते हैं, और हमें बाहर जाने से शर्म लगती है, लेकिन यहाँ के सर कुछ करवा नहीं रहे हैं, न कोई कुछ नहीं करवा रहा, हमारी कुछ भी मदद नहीं है। ये खाना है जो क्या, कभी अलाउन तो कभी सगा अलाउन है तो कभी नमक भी नहीं देती है, और शनिवार के लिए इन्होंने लिखा है पराठा सब्जी, लेकिन ये लोग कुछ भी नहीं दे रहे हैं। ये लोग खाली सब्जी चावल, मंगलवार को पूड़ी और सब्जी और हलवा भी है उसमें लिखा, लेकिन हलवा कभी नहीं मिलता है, और गुरुवार को कढ़ी और चावल है तो वो भी कभी कभी कम ही देती है, लेकिन पेट भर खाना किसी को नहीं खाने को मिलता। चलिए हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के लिए संवाददाता विनय। विनय, अगर देखा जाए तो यहाँ पर ग्रामीणों के साफ तौर पर शिकायत यही है कि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, विद्यालय की बात की जाए तो विद्यालय में किसी तरीके की व्यवस्थाएं नहीं है, और अव्यवस्था का केंद्र जो है बनता जा रहा है। जी संजीव, मैं बता दूं कि ये पूरा मामला ग्राम पंचायत सरांजा है, उसके अधीन ग्राम आने वाले ग्राम मजवाहा का है। इधर काफी हालत खराब है, रास्ता नहीं है, लोग काफी परेशान है जी। और जिस तरीके से ग्रामीणों से बात की, गया उधर जाके देखा तो उधर काफी हालत गंभीर है गांव की। आज भी लगता है जैसे कई वर्ष पुराने जीवन स्तर हो इधर के ग्रामीणों का। जी जी बिल्कुल, देखा जाए तो देश जो है बढ़ता नजर आ रहा है, तरक्की की ओर बढ़ता नजर आ रहा है, लेकिन एक पहलू आज भी देश का ऐसा है जहां पर मूलभूत सुविधाएं भी ग्रामीणों को नहीं सही तरीके से मिल पा रही हैं, और वहीं ग्रामों के विकास को लेकर सरकार तमाम वादे करती है, तमाम बातें कहती है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके के नजारे सामने आते हैं। तो क्या कुछ कहना है जब ये खबर जो स्थिति जो है यहाँ पर शिकायत लेकर ग्रामीण पहुंचते हैं अधिकारियों के पास, तो उनका क्या कुछ आश्वासन रहता है, क्या कुछ कहते हैं ग्रामीणों से? जी मेरी बात हुई है, ग्रामीणों का कहना है कि हमने इस संबंध में कई बार जिला प्रशासन को शिकायत की है, आवेदन दिए हैं, अवगत कराया है, लेकिन इस संबंध में कोई भी अधिकारी है, जनप्रतिनिधि है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और चुनाव के वक्त तो ये जनप्रतिनिधि आते हैं, तमाम प्रकार के आश्वासन देते हैं, लेकिन चुनाव होने के बाद इधर कोई नहीं आता, ना ही कोई ध्यान देता है जी। वहीं अगर विद्यालय की बात की जाए, जैसा कि हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, जिसमें छोटे छोटे बच्चे हैं जो काफी परेशानी है जो उनको आ रही हैं वो बताते नजर आ रहे थे, तो विद्यालय की बात की जाए तो विद्यालय में क्यों व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई है, क्या शिक्षक उस ओर किसी प्रकार से ध्यान नहीं देते? जी हाँ जी, मैं बता दूं कि इतनी बुरी हालत है विद्यालय की, विद्यालय पूरा जर्जर हो चुका है, विद्यालय की काफी हालत गंभीर है, कभी भी गिर सकता है, कोई भी घटना घट सकती है। वहीं ग्रामीणों का कहना है विद्यालय में कभी भी कोई नुकसान हो सकता है, इस संबंध में हमने कई बार जनपद स्तर के अधिकारियों को, जिला स्तर के अधिकारियों को अवगत कराया है और जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराया है, लेकिन कोई भी व्यक्ति इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। बिल्कुल,
अगर देखा जाए तो तमाम योजनाएं तो सरकार बनाती है ग्रामीणों के लिए, तमाम गरीबी मिटाने को लेकर, साफ स्वच्छता को लेकर, लेकिन सही तरीके से उनका क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। साफ तौर पर इन तस्वीरों के माध्यम से देखा जा सकता है जहां विद्यालय के जो छोटे छोटे छात्र हैं, छात्र छात्राएं वो परेशान है। पूरे ग्राम में तमाम जगहों पर अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, लेकिन अधिकारियों का किसी भी तरीके से ध्यान जो है अब तक नहीं पहुँच पाया है और कहीं ना कहीं यहाँ पर परेशानी जो है तमाम ग्रामीणों को ही भुगतनी पड़ रही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।